चाहो इंसल्ट कर लो, मैं अब भी तुमसे 10 गुना बेहतर हूँ। मेरे पास तुम्हारी सारी शक्तियाँ हैं और मेरी भी। मैं हूँ केविन 11। अब बेंटन क्लासिक सीरीज में बेंटन के क्रिएटर्स ने केविन 11 के लिए एक स्पेशल एपिसोड बनाया था। अब पहले तो बेंटन के फैंस को ये लग रहा था कि इसके पास ज्यादा पावर्स नहीं होंगी और ये बेंटन का एक छोटा मोटा विलन ही रहेगा, लेकिन बाद में हमें पता चला कि केविन 11 के पास कितनी अमेजिंग पावर्स हैं। लेकिन इस एपिसोड के बाद भी काफी सारे बेंटन फैंस को ये नहीं पता चला था कि केविन 11 को केविन 11 क्यों बोला जाता है। लेकिन जैसे जैसे बेंटन के एपिसोड्स आगे बढ़ते गए, तब हमें पता चला कि केविन 11 को केविन 11 क्यों बोला जाता है, क्योंकि आगे जाके पावर्स का ओवरडोज लेने के कारण केविन 11 म्यूटेट हो गया था, जिसके बाद वो बन गया था केविन 11, जिसके पास 11 एलियंस की पावर्स थी। और यहाँ पर ही हमें बेंटन का एक काफी पावरफुल विलन देखने को मिला और काफी अमेजिंग विलन भी था ये, क्योंकि बेंटन की सीरीज में कोई भी ऐसा विलन नहीं था जिसके पास ओमनीट्रिक्स के 11 एलियंस की पावर्स हों। और उसके बाद केविन 11 ने बेंटन को काफी ज्यादा परेशान किया बेंटन की सीरीज में, और कई बार तो केविन 11 ने बेंटन को हरा भी दिया और कई बार केविन 11 ने बेंटन का साथ भी दिया। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 केविन 11 के मूवमेंट्स के बारे में। अब बेसिकली मैं केविन 11 के मूवमेंट्स के बारे में बात करूंगा, ना कि अल्टीमेट केविन के मूवमेंट्स के बारे में। अगर इस पर वीडियो चाहिए तो 4K लाइक करवा दो, तो मैं टॉप 5 अल्टीमेट केविन के मूवमेंट्स पे भी वीडियो बना दूंगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना। और इस वीडियो का लाइक एम है 4K लाइक और 400 कमेंट। अगर आपने जिस टाइम लाइक एम और कमेंट एम कंप्लीट करवा दिया ना, तभी मैं उस वीडियो को अपलोड कर दूंगा। नंबर 5 केविन 11 डेब्यू। तुम मुझे कभी नहीं हराओगे, क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो और अच्छे लोग मुझ जैसों को खत्म करने की बात सोच भी नहीं सकते। अब हमने बेंटन क्लासिक सीरीज का एक एपिसोड देखा था जिसका नाम था फ्रेम्ड। उस एपिसोड में केविन 11 हमें बेंटन की सीरीज में दूसरी बार अपीयर हुआ था, और हमें पता चला था कि केविन 11 के पास बेंटन के सभी एलियंस में ट्रांसफॉर्म होने की पावर आ गई थी, लेकिन वो अपनी ह्यूमन बॉडी में बहुत कम टाइम के लिए जा पा रहा था। ये देखने में अमेजिंग तो लगता है, लेकिन ये देखने में उतना भी मजा नहीं आया था। जो कि एंड वाले सीन में हुआ था वो तो काफी ज्यादा अमेजिंग था। बेसिकली जब इस एपिसोड का एंड होने वाला था, जब एपिसोड का एंडिंग चल रहा था, तब केविन 11 की पावर्स स्टेबलाइज नहीं हो पाई और सारी पावर्स आपस में कन्वर्ट हो गई, जिसकी वजह से केविन एक मॉन्स्टर में बदल गया, जिसके बाद उसके पास बेंटन के 11 एलियंस की पावर आ गई, जिसके बाद वो बना केविन 11। अब ये वाला मूवमेंट काफी ज्यादा सैड भी था और ये काफी ज्यादा अमेजिंग भी था, क्योंकि इसमें केविन 11 ने बेंटन के फोरआर्म्स के साथ फाइट की थी और ये फाइट भी देखने में काफी अमेजिंग थी। और इसी सीन के बाद हमें मिला बेंटन का एक एपिक विलन जिसका नाम था केविन 11। नंबर 4 प्रोटेक्टर ऑफ अर्थ। यू मे हैव बीटन मी बट इट डजंट मैटर, यू आर फाइनली गोना पे टेनिसन, यू एंड एवरीवन एल्स ऑन दिस। बेसिकली ये एक गेम का मूवमेंट है जहाँ पर पहली बार केविन 11 हमें एक गेम में अपीयर हुआ था, जहाँ पर केविन 11 बेंटन के ग्रैंडपा मैक्स को किडनैप करके ले जाता है, जिसके बाद बेंटन अपने ग्रैंडपा मैक्स को बचाने के लिए जाता है, जहाँ पर वो केविन 11 को हरा कर ग्रैंडपा मैक्स को ले आता है। यहाँ पर केविन 11 ने पहली बार बेंटन के किसी फैमिली मेंबर को किडनैप किया था और ये मूवमेंट भी काफी अमेजिंग था। और आप लोग मेरे को बताओ कि क्या आपने बेंटन प्रोटेक्टर ऑफ अर्थ गेम में केविन 11 के साथ फाइट की है। नंबर 3 बैक विद द विजेंस। अपने दोस्त केविन को छोड़कर कहीं जा रहे हो? अब बेसिकली यार ये वाला एपिसोड काफी अमेजिंग था, जहाँ पर कैदियों की जेल में जहाँ पर एलियंस कैदी बने हुए थे, केविन 11 विलगेक्स को देखता है, जिसके बाद वो बोलता है कि तुम कमजोर हो। उसके बाद केविन 11 और विलगेक्स की फाइट होती है, जिसके बाद केविन 11 हार तो जाता है, लेकिन वो विलगेक्स के साथ हाथ मिला देता है, जिसके बाद वो बेंटन को काफी ज्यादा परेशान करता है, मतलब दोनों ही परेशान करते हैं विलगेक्स और केविन, और वो बेंटन की ओमनीट्रिक्स छीन भी लेते हैं उस टाइम पे। और इन दोनों का कोलैब सच में काफी अमेजिंग था, देखने में भी काफी अच्छा लग रहा था ये। और यहाँ पर पहली बार केविन 11 ने विलगेक्स की ओमनीट्रिक्स ली थी, और यहाँ पर पहली बार केविन 11 और विलगेक्स को ओमनीट्रिक्स मिल गई थी बैन की। और मेरी समझ में नहीं आया, जब केविन 11 के पास ओमनीट्रिक्स की पावर्स थी तो उसे ओमनीट्रिक्स की क्या जरूरत थी? बचपन में भी मेरे मन में यही सवाल आता था, अभी भी यही सवाल आता है। आप लोग नीचे कमेंट में बताओ क्यों जरूरत थी उसे ओमनीट्रिक्स की। नंबर 2 केविन्स फ्लैशबैक। मुझे मदद चाहिए,
मैं जानता था तुम यहाँ जरूर आओगे। अब आपने बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज का एक एपिसोड तो देखा होगा, जहाँ पर अल्टीमेट केविन अपना फ्लैशबैक याद करता है। फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि केविन 11 जब नल वर्ल्ड में गया था तो उसके साथ क्या क्या हुआ था। और देखो यार, ये वाला मूवमेंट पर्सनली काफी अमेजिंग था, जहाँ पर केविन 11 सभी कैदियों को मार रहा था, लेकिन एक भले आदमी ने केविन 11 को सुधरने में मदद करी। और बेन 10 की क्लासिक सीरीज के बाद ये बेन 10 की सीरीज में पहली और आखिरी बार ऐसा था जहाँ पर हमें केविन 11 देखने को मिला था। बाकी बेन 10 के किसी भी सीरीज, किसी भी एपिसोड या किसी भी मूवी में हमें केविन 11 नहीं देखने को मिला। और ये वाला मूवमेंट काफी सैड मूवमेंट भी था। नंबर 1, जजमेंट। इसके लिए चाहिए बस एक शॉर्ट सर्किट और ये छोटू ग्रे मैटर। इतनी डिंगे मत मारो छोटे मियां, ये काम तो एक बंदर भी कर सकता था। क्यों नहीं तुमने? अब यहाँ पर केविन 11 दूसरी बार हमें अपीयर हुआ था। मैं केविन 11 की म्यूटेशन की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर केविन 11 और डायमंड हेड की भी फाइट हुई थी, जिसके बाद केविन 11 और डायमंड हेड टेलीपोर्ट हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने काफी सारी फाइट लड़ी थी। और यहाँ पर बेन 10 का पहली बार केविन 11 पार्टनर बना था, जिसके बाद से ही इन दोनों की बॉन्डिंग शुरू हो गई थी, जिसके बाद हमें लग रहा था कि अब केविन 11 बेन 10 के साथ आ जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि केविन 11 को बेन 10 से बदला लेना था, और क्योंकि वो अपनी म्यूटेशन फॉर्म में था इसीलिए उसका दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। लेकिन बेन 10 एंड में ट्रांसफॉर्म हुआ कैनन बोल्ट में, उसके बाद उसने केविन 11 को भी धूल चटाई। और देखो यार, ये वाली सारी फाइटें काफी अमेजिंग थी इस एपिसोड की, और केविन 11 की मूवमेंट्स भी काफी अमेजिंग थी। तो बस यही थी टॉप 5 केविन 11 की मूवमेंट। अब आप लोग मेरे को नीचे कॉमेंट में बताना कि आपको इन पांचों मूवमेंट में से कौन सी केविन 11 की मूवमेंट पसंद आई। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना इस वीडियो को, और लाइक एम और कमेंट एम कंप्लीट करवा देना। और अल्टीमेट केविन पे वीडियो चाहिए तो